ये सबसे भ्रष्ट सरकार है, केजरीवाल सबसे अनैतिक व्यक्ति है, ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, हर चीज में इनका भ्रष्टाचार का घोटाला आता है और उसके बाद केजरीवाल जी एलजी पर आरोप लगाते और भागते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के विषय में हम बात करेंगे, हमारे साथ राष्ट्रीय कवि उपेंद्र कवि जी हैं, हम इनको उपेंद्र कवि जी के नाम से जानते हैं और ये राष्ट्रीय कवि हैं, बहुत बड़े बड़े मंच ये शेयर कर चुके हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एलजी को जो उन्होंने अपशब्द बोले हैं विधानसभा के अंदर, क्या ऐसा एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है, क्या राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे क्या फायदा मिलने वाला है, उपेंद्र जी बताएं। राहुल जी की हर यात्रा और जितनी भी यात्रा उन्होंने की है और जितने भी उन्होंने भाषण दिए या जितनी भी रैलियां निकाली हैं उससे राहुल जी को तो फायदा नहीं होता, अंततः मोदी जी को फायदा होता है। ये भारत जोड़ो यात्रा में मोदी जी को ही फायदा होगा, यही सबको अपेक्षा है और यही परिणति निकली। उपेंद्र जी, आपके हिसाब से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो जिस तरीके से अनार्किस्ट की तरह बात करते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई अरबन नक्सली विधानसभा में बैठ गया हो और वो एलजी को अभद्र भाषा में बात करता है कि ये कौन एलजी, कहाँ का एलजी, ये कहाँ से आ गया, ऐसा लगता है आपको एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? ये मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता लेकिन केजरीवाल को शोभा देता है, क्योंकि उसकी शुरू से आदत है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ, आरोप लगाओ और भाग जाओ। कल तक वही केजरीवाल कहता था पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दिल्ली, पूरी दुनिया, पूरे भारत में, पूरे ब्रह्मांड में दिल्ली के स्कूल सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब कहता है हमारे शिक्षकों को फिनलैंड जाना है। जब दिल्ली के स्कूल पहले से सर्वश्रेष्ठ हो गए तो क्या उनके शिक्षक फिनलैंड जाकर दुनिया छीनेंगे? उपेंद्र जी, केजरीवाल ने अपने कई भाषणों में कहा कि मैंने दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना दिया, अगर वर्ल्ड क्लास बना दिया तो फिनलैंड जाने की क्या जरूरत है, क्या लोगों को पैसा बर्बाद करना उचित है? बिल्कुल नहीं, मैं तो ये कहता हूँ केजरीवाल जी का ही बयान था, फिनलैंड में जो पढ़ाई अगर होती है, अगर 1% में मैं मानता हूँ कि फिनलैंड में पढ़ाई होती है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? साहब आपका बयान था, भूल गए कश्मीर पिक्चर आई थी, आपका ही बयान था, यूट्यूब पर देख लीजिए। तो आप फिनलैंड की जो फिनलैंड के जो सिखाते हैं टीचर उसको यूट्यूब पर डाल दीजिए, आपके साथ दिल्ली के साथ पंजाब की सरकार के जो टीचर यहाँ पढ़ाओ, बीच में कोई निकले ना, देश में सब चले होंगे। मुख्यमंत्री आज वही सत्तर पे आ गए तो क्या लगता है? ये जवाबदेही से भागना है क्योंकि केजरीवाल ने आज तक एक भी मंत्रालय अपने पास नहीं लिया है। दिल्ली में जो डीटीसी के बसें आए वो केंद्र सरकार ने दिए 300 बसें, इसके बावजूद केजरीवाल श्रेय लेने, हर जगह श्रेय लेने केजरीवाल पहुंच जाते हैं और जहां जवाबदेही की बात आती है। अब वो 5 साल तक सरकार इसी तरह चलाएंगे, कहेंगे एलजी ने काम नहीं करने दिया, एलजी ने काम नहीं करने दिया। जब एलजी तुम्हें काम करने नहीं देते तो इस्तीफा दो, वापस जनता की अदालत में जाओ, तब तो समझ में आए। लेकिन आपको मलाई भी खानी है और आपको सत्ता का लोभ भी लेना है और ऊपर से आप सारे अपने प्रचार गुजरात में करते रहे, पंजाब में करते रहे, पूरे देश में अमेरिका तक की सड़कों पर भी अपने प्रचार करते रहे, आप अमेरिका तक के अखबारों में अपने प्रचार करते रहे और दिल्ली में क्या हो रहा है, यथार्थ में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। बस जवाबदेही से भागो, जवाबदेही से भागो, ये केजरीवाल करते हैं। इनके मंत्री राशन कार्ड बनाते हो, किस तरह का राशन कार्ड बनाते हैं आपको भी पता है, महिला की सुरक्षा किस तरह की जाती है। ये सबसे भ्रष्ट सरकार है, केजरीवाल सबसे अनैतिक व्यक्ति है, ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, हर चीज़ में इनका भ्रष्टाचार का घोटाला आता है और उसके बाद केजरीवाल जी एलजी पर आरोप लगाते और भाग जाते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं ये दिल्ली के आम लोग हैं और जो केजरीवाल के विषय में अपनी जो उनकी मानसिकता है, जो उनके बारे में सोचते हैं वो बता रहे हैं। तिलक सिंह, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली, प्लॉट प्लेस।